नेपाल ने एशियन गेम्स 2023 में T20 क्रिकेट का नया संविधान लिखा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल मेंस क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में बुधवार को मंगोलिया के खिलाफ अपनी तूफानी बैटिंग से रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। नेपाली बल्लेबाजों ने सबसे तेज शतक से लेकर सबसे तेज अर्धशतक तक सभी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए। नेपाल ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 314 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। 2021 में ICC से मान्यता प्राप्त करने वाली मंगोलिया की पुरुष क्रिकेट टीम का ये एशियन गेम्स में डेब्यू था। नेपाल ने कौन कौन से रिकॉर्ड बनाए, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहला रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर 314 रन का। वहीं दूसरा रिकॉर्ड है T20 इंटरनेशनल में 300 से ज्यादा रन बनाने वाली पहली टीम नेपाल बनी। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज शतक कुशल मल्ला और सबसे तेज अर्धशतक भी दीपेंद्र सिंह एरी ने 9 गेंदों पर लगाया। T20 इंटरनेशनल की एक पारी में सर्वाधिक छक्के नेपाल ने लगाए। नेपाल ने अपनी पारी में 26 छक्के लगाए। नेपाल ने टॉस हारकर पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट पर 314 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके साथ ही नेपाल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 रन का स्कोर बनाने वाली पहली टीम बन गई है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का पिछला रिकॉर्ड अफगानिस्तान के नाम था, जिन्होंने 23 फरवरी 2019 को आयरलैंड के खिलाफ 278 रन बनाए थे। नेपाल के लिए कुशल मल्ला ने 50 गेंदों में 8 चौकों और 12 छक्कों की मदद से 137 रन, तो वहीं दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों के अलावा कप्तान रोहित पौड़ेल ने 27 गेंदों में 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से 61 रन की तेज पारी खेली। नेपाल के पहले 2 विकेट 66 रन पर गिरने के बाद कुशल मल्ला और रोहित पौड़ेल ने तीसरे विकेट के लिए 65 गेंदों में ही 193 रन की तूफानी साझेदारी की। रोहित के आउट होने के बाद मल्ला और दीपेंद्र ने 11 गेंदों में 55 रन ठोक दिए, जिनमें 10 गेंदों में 52 रन तो अकेले दीपेंद्र के ही थे। नेपाल ने 26 छक्के जड़ते हुए बनाया है यह नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेपाल के बल्लेबाजों ने मंगोलिया के खिलाफ तूफानी बैटिंग करते हुए 26 छक्के जड़े। ये T20 इंटरनेशनल की एक पारी में किसी टीम द्वारा सर्वाधिक छक्के जड़ने का नया रिकॉर्ड है। नेपाल ने अफगानिस्तान का रिकॉर्ड तोड़, जिसने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ T20 मैच में 22 छक्के लगाए थे। नेपाल के कुशल मल्ला ने तोड़ा रोहित शर्मा का सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के 19 साल के बल्लेबाज कुशल मल्ला ने महज 34 गेंदों में सेंचुरी जड़ते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज तक का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने रोहित शर्मा और डेविड मिलर का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने 35 गेंदों में शतक जड़े थे। नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए उतरे मल्ला ने 50 गेंदों में 12 छक्के और 8 चौके लगाते हुए 137 रन नाबाद बनाए। वहीं दीपेंद्र सिंह ने तोड़ा युवराज सिंह का सबसे तेज T20 अर्धशतक का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने भी केवल 9 गेंदों में हाफ सेंचुरी जड़ते हुए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दीपेंद्र ने युवराज सिंह का 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ने का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। युवराज ने 2007 T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था और उसी मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड की लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे। दीपेंद्र सिंह 10 गेंदों में 8 छक्कों की मदद से 52 रन बनाकर नाबाद रहे। अगर आपको बताएं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में टीमों के सबसे बड़े टॉप 10 स्कोर की, तो सबसे पहला स्कोर अभी हाल ही में नेपाल ने बनाया है। नेपाल ने 20 ओवर में 314 रन बनाए। वहीं दूसरा रिकॉर्ड है अफगानिस्तान के नाम, जिसने आयरलैंड के खिलाफ 2019 में 278 रन बनाए थे। वहीं तीसरा रिकॉर्ड है तुर्की वर्सेस चेक रिपब्लिक, जिन्होंने भी 278 रन 2019 में बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैच में 2019 में 263 रन बने थे। वहीं श्रीलंका और केन्या के एक मैच में 2007 में 260 रन बनाए गए थे। भारत वर्सेस श्रीलंका के 2017 के एक मैच में फिर से 260 रन बने थे। वहीं साउथ अफ्रीका वर्सेज वेस्ट इंडीज के 2023 के एक मैच में 259 रन बने थे। वहीं चेक रिपब्लिक और बुल्गारिया की टीम ने 2022 में 258 रन बनाए थे। वहीं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए 2023 के एक मैच में 258 रन बनाए गए थे। डेनमार्क और जिब्राल्टर ने 2022 में 256 रन बनाने का कारनामा किया था।